بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے پیارے سونے گھر دے اندر وقت نال حاضری دیوڑ دی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو رمضان اللہ دا مہمان قیمتی مہمان آ رہا ہے آج دے جمعے رمضان دیاں باتاں تاں نہیں ہونیاں لیکن ایندا جمعے ہون گی اور میرے پیارے بھائیو رمضان دا فائدہ کس نوں ہوئے گا جیڑا بندہ دنیا تے عامل مسلمان ہوئے عامل مسلمان تے اپنے آپ نو ہر کوئی آندا ہے لیکن ایک عامل مسلمان ہے عامل مسلمان بنو گے پھر رمضان دا فائدہ ہوئے گا
मर्जी दे नाल जिवें हुण दिल करदा है ते असीं अमल कर लैंदे आ, दिल ना करे ते कुरान हदीस सुन के भी असीं अमल नहीं करदे। सहाबा इकराम साडे वर्गे नहीं आ, बंदे तो वह भी आ, असी भी बंदे ही हैं, वह भी मुसलमान आ, असी भी मुसलमान हैं। उन्हें भी इो कलमा पढ़िया जड़ा असी पढ़े, सहाबा ने इो कुरान पढ़िया जड़ा अब असी पढ़ रहे। इवें रमजान सहाबा च भी आता सी ते चला जाता सी, साडे च भी रमजान आया कई साल, और किन्नी दफा असी पाया रमजान, से रमजान आ भी जाता चला भी जाता, लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। सहाबा के अंदर तब्दीली आ जाती आई, जिन्ना कलमा पढ़ लिया ना उस तो बाद उन्होंने फिर जो नबी ने कह दिता है ना, जान तो जा सकती है पर नबी की मुखालफत नहीं हो सकती। गुनाह पता किनू आद, गुनाह आद है कि जो नबी ने कह दिता है सुन भी लिया है, समझ भी लिया है, याद भी है कि आ नबी ने आख्या होया है, फिर उनके खिलाफ करो, इनू आदर गुना। या फिर गुना उनू आद है अगर दिल जिंदा हो, मुर्दा ना हो, ईमान की रमक हो, रत्ती ईमान की भी हो, दिल मुर्दा ना हो जाए। अगर गुनाह करन लग्या दिल एक बारी घंटी दिंदा है ये काम ना करी, ये गुनाह है, लेकिन फिर भी बंदा आता है अदिला तो तेरी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं करना, क्योंकि साड़ी आदत है गुनाह करन दी। सहाबा की आदत आई नेक अमल करन दी, इन्ना ही फर्क। ते मेरे नबी ने की किया है, ए मलीम सालहा प्यारे सोने नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा तेरी शान बड़ी है। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला मां पुछदी है, ए बेटा हुज़ैफ़ा कितने दिन हो गए नबी पाक नाल मुलाकात होई नू। आदा अम्मी जी चंद दिन हो गए मेरी नबी नाल मुलाकात नहीं हो रही। अम्मा रानी है नेक औरतां सी, आदी है ओ बेटा मैं अम्मिया मेरा आर्डर है आज शाम दी नमाज सोने नबी पाक दे पिछे पढ़नी जरूर है। ते अगो बेटा भी नेक है, ए नहीं आता मैनू कम बड़े पर आज नहीं कल पढ़ागा नहीं। आंदा अम्मी जी दुआ करो मैं जरूर पहुंच जावा। अम्मी आदी है एक तो नबी पाक दे पिछे नमाज पढ़नी है आज शाम दी, फिर बैठा रवी नबी नू तंग ना करी, सोने नबी नू परेशान ना करी। जदों अल्लाह दे नबी नमाज पढ़ा के घर नू जावे लगन ते तू हौली हौली मगर तुर पवी। जदों नबी पुछे हुज़ैफ़ा किवें आ रहा है, फिर मेरी गल कर दे। हज़रत हुज़ैफ़ा बैठे रहे, अम्मी आखिया सी एवें नहीं बोलना, नबी पाक कोल मेहमान आ गए ते मेहमान मसलियां पुछण वाले आए आण, दूर दराज तो आ गए। आदन असी दूर जाना सानू सारे मसले दस दौ, प्यारे नबी मसले दसदे दसदे इशा दी अजान उत्थे हो गई, फिर मेरे नबी ने नमाज पढ़ी। फिर मेरे सोने नबी जदों नमाज इशा दी पढ़ के जावे लगे, अम्मी दा इयो ही डर कि मसीह से गल ना करी। जदों नबी घर जा रहा होवे ते मगर मगर तुर पवी,
नबी पुछेगा किवें आ रहा है, उदो मेरी गल करनी है। अल्लाह दे नबी ने जो मुड़ के पिछे वेख्या पैरों से खड़ा खान लगे, पैरों की जुत्ती जो बंदा टुरदा है थोड़ा थोड़ा खड़का आ रहा हुंदा है, तो मेरे नबी मुड़ के वे दड़ा दड़ हुज़ैफा बेटा किवें आ रहा है। गल बड़ी कमाल आ रही है, सोने नबी पाक या पुछया आदा हुण अम्मी दी गल करनी है, इदू मां दी वी तात पूरी कर रहा है ते नबी पाक दी वी तात पूरी कर रहा है। सोने नबी ने फरमाया किवें आ रहे हो, आदा मेरी अम्मी ने भेजा है, मैं तुहाडे पिछे मगरब दी नमाज पढ़ी है, फिर मैं बैठा रहा इशा दी पढ़ी है, फिर भी बैठा रहा, जदों तुसी मस्जिद जो घर जा रहे हो, हुण मेरे मां ने कहा सी उदों सवाल करना, पहली बात यह है कि मेरी मां तुहानू सलाम भी आंदी है ते नाल दुआ करवांदी है कि मेरे नबी नू कह देवी अल्लाह हुज़ैफा दी मां नू जन्नत दे देवे। अल्लाह, कोई दुआ नहीं, वड़ियां हस्तियां दे वड़ियां दुआवां होदियां, ए वड़ी दुआ है जन्नत। प्यारे दोस्तों, मेरे नबी ने हुज़ैफा दी मां नू जन्नत दी दुआ दित्ती, ते क्यों करवा रही है, ए सज्जे हाथ जदों ए सोने दे सुच्चे हाथ जदों उठ जाणगे ते हुज़ैफा दी मां दी दुआ हो जाएगी, फिर यकीनी बात है कि जन्नत लिख दित्ती जाए। प्यारो, हुण मेरे नबी ने हुज़ैफा नूं भी एक बात कीती है, ओ जरा सुन लो, फरमाया ए हुज़ैफा एक तैनू भी खुशखबरी सुना दिया, जिवें तेरी मां ने मेरे को तैनू भेजा है, इवें फरिश्ता एक अल्लाह को आया पहली दफा जमीन ते, पहले कदी भी नहीं आया, अज पहली दफा फरिश्ता जमीन ते आया है। ओ कई साल हो गए अल्लाह को मुतालबे करता सी, अल्लाह जी मेरी गल मान ले, मैं जमीन ते जाना चाहना। फरमाया केड़ी जमीन ते? फरमाया जेड़ी जमीन ते तेरा हबीब बैठा है। वाह फरिश्तिया, तेरी शौक भी कमा आदा है कि मैं अल्लाह तेरी इजाजत नाल जमीन जाना चाहना जिथे पाक सोना मुहम्मद है। फरमाया की कहना चाहना है मेरे हबीब नू? आखे मैं जियारत करना चाहना, नाले मिलना चाहना, नाले सलाम देना चाहना, बस मेरी शौक है कि मैं सोने नबी नू जिहड़ा 14 तबका दा सरदार बनाए अपने हबीब नू तेरे हबीब नाल मुलाकात करना चाहूं। हुण अल्लाह की याद है, सुभान अल्लाह, अल्लाह दा एक मेरा भी सुनिया ले जा। फरिश्ता जा तो तुर रहा है, इत्थे जिब्राइल नहीं आया, ये होर फरिश्ता आया है जड़ा पहली दफा जमीन ते आया, इस तो पहले कभी भी नहीं आया। अल्लाह दा एक मेरा भी सुनिया ले जा, मेरा सलाम आखी पहला पहला सया। अल्लाह ने आख्या कैसा उच्चा नबी है, केड़िया शाना वाला नबी है, अल्लाह सलाम भेज रहे पहले पैगाम नहीं दिता। फरमाया फरिश्ते आ मेरा सलाम आखना ही मेरे हबीब नू आए। दूई बात है कि जो तू अपनी गल कर लवे मुलाकात कर लवे, मेरा सुनिया है ए मेरे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अल्लाह सुनिया दे रहे, अल्लाह दा के दो
सोने नबी दे नवासे ने ते सोने नबी दी बेटी फातिमा मेरा सनेहा दे दे के दो नौजवान नौजवाना दे जन्नत दे सरदार होणगे तेरी बेटी फातिमा जन्नतां दी सरदार होएगी। ए पहले मेरे रब ने मेरे नबी नूं पैगाम नहीं दित्ते होया उदो पैगाम आया है जो फरिश्ता यह पैगाम लेके आया है। मैं ये गल सुनाई क्यों है जिन्हों रब ने कह छड़िया कि जन्नत दी सरदार है ए हूरा ते जन्नतां दी सरदार है कौन नबी दी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो मेरे नबी ने इसके बावजूद की आख्या है ए मली सालिहा ए मेरी बेटी फातिमा अल्लाह ने तेरी शान बड़ी बयान की है इस तू वड्डी की शान है कि अल्लाह ने अडवास ही कह छड़िया है बेटी फातिमा नबी दी नहीं मैं जन्नत दी सरदार बना छड़ी है जन्नत जाना ही बड़ी वड्डी शान है। तो फिर बंदा सरदार होवे ते होवे भी पूरी जन्नत दा कोई शक है जन्नत जावण च कोई शक रह गया। वाह मेरे नबी फरमाया इंज ना समझी कि मैं नबी दी धीआं इंज ना समझी मैं नबी दी लखते जगाना वैसे तो पिसा तो मिन्नी मेरे दिल का टुकड़ा फातिमा तू है तू मेरे दिल का टुकड़ा है जड़ा तैनू तकलीफ देवे उन्हें नबी दे दिल नू तकलीफ दी है। ओ मेरी बेटी फातिमा मेरा टुकड़ा है दिल का क्या शान है अम्मी फातिमा दा। और जिस वेले माँ फातिमा मेरे नबी नू मिलन वास्ते आंदी है तो मेरा नबी अपनी बेटी का इस्तकबाल करता है इस्तकबाल 14 तबकां दा सरदार पाक रसूल करे। कोई है शक के जन्नत में नहीं जाएगी। फिर भी मेरे नबी ने आख्या ए ना दिल चलिया भी कि मैं नबी दी बेटी हाँ मैनू रोजिया की लोड़ कोई नहीं मैनू निमाजा की लोड़ कोई नहीं मैनू उमरे की लोड़ कोई नहीं नेक अमल की लोड़ कोई नहीं ओ अमल करके आएगी फिर पास होएगी वगरना फेल हो जाएगी मैं सिफारशा नहीं करांगा। ओ जन्नत जाना चाहनी है तो रब पाक दे सामने सारी उम्र अमल भी करने ने ते करने भी सोने अमल ते कुरान की आख रहा है अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह गालिब भी है अल्लाह गफूर भी है अल्लाह गाफिर भी है अल्लाह गफार भी है अल्लाह गफूर भी है। क्यों गफूर है अल्लाह दा है तू जेड़ा भी गुनहगार है एक बारी दुआ करके वेख ओ गफार गाफर दा माना माफ करने वाला एक बारी मगफरत मांग ते सही गफार दा माना बहुत ज्यादा माफिया देन वाला एक बारी माफी मांग के ता वेख ओ अल्लाह दा वहु वल गफूर वहु वल अजीजुल गफूर। गफूर दा माना जो हमेशा तैयार बैठा आवे कोई आवे तो सही तेरे आवण च लेट रब दे मनीवण च माफी देवण च लेटी कोई नहीं ताना भी नहीं मारदा जदों नौजवान है उदों गुनाह करदा रहे अज बुढ़ा हो गया गुनाह करन दी ताकत नहीं रही हुण मेरे कोल आया एज भी नहीं आता हाय हाय। कोई ऐसे अमल कर लो जिंदे नाल जन्नती भी बन जाओ अमल इतने आला होंदन कि दुनिया दी आजमाइशां तू भी बंदे नूं बचा देंदन
कुछ रमेशा आ जाती हैं, कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ दुख आ जाते हैं। वैसे भी जेड़े बंदे आज के जमाने के अंदर तकरीबन हर बंदे परेशान है, तकरीबन हर बंदे दुखी है। कोई बीवी को दुखी है, कोई औलाद को दुखी है, कोई बीमारियों की वजह तो दुखी है, कोई कारोबार की वजह तो दुखी है, कोई इस तरह दुखी है कि उनके अखराजात ज्यादा ने, उनके को कमाई थोड़ी है। वो मंगण की उन्होंने आदत कोई नहीं, हाथ फैलावन की आदत कोई नहीं, छुपैद पोश है, अखराजात बहुत ने, लेकिन बेचारा महंगाई की वजह तो पिस गया है। उन्हें फिर भी किसी शिकवा नहीं किया, ना अपना ना अपने बच्चों का, ना कारोबार का, ना भुख का, ना परेशानियों का, और रब के सामने भी शिकवा कोई नहीं। प्यारे हो, बड़े बड़े अच्छे लोग ने, लेकिन परेशानियां आज बहुत ज्यादा लोगों को आ गई हैं। हाय, कोई ऐसे भी अमल कर जाओ, अगर तेनों बहुत बड़ी आजमाइश आ जाए कि मौत तो इलावा कोई उम्मीद नहीं, मौत करीब आ गई है, ऐसे अमल भी कर लो। ओ जदो अमल रब नू दसोगे, अल्लाह अमलां दी वजह तो दुनिया दी आजमाइशां तू ही बचा लवेगा, जहन्नम तू बचा के ते जन्नत दे दाखिल कर लवेगा। अमलां दा फायदा किन्ना हुंदा जदो सोचो। मेरी दुआ बड़ी वड्डी है, ये किवें कबूल होएगी? अल्लाह नू अमल दस, अपने अमल का बंदा वसीला पा सकता है। जिंदा का वसीला किसी नेक बंदे का यह भी पा सकता है। सहाबा इकराम सोने नबी नू आ ध्यान, आओ मैदान च साडे नाल अल्लाह दे हबीब दुआ करया है, अल्लाह दुआ की बरकत नाल बारिश दे देगा। जदों सोने नबी दुनिया तो चले गए, सहाबा ने फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमाया, तुसी नबी दे चाचा जी हो, आओ साडे नाल बारिश की दुआ करो। जदों दुनिया तो नबी भी तुर जान, फिर दुनिया तो गया नूं वसीला नहीं बनाना। सहाबा ने इंज नहीं सी आखिया, आए कबर वाले दा वास्ता ही इंज नहीं आख्या। फिर हजरत अब्दुल्लाह हजरत अब्बास लेके चले गए बारिश के लिए। प्यारे हो, जिंदा नेक कोई नबी है या वली है, कोई अल्लाह का बंदा है, उनका वसीला बनाया जा सकता है। जदों कोई टुर जाए फिर जिंदा का वसीला लभो। एक दूई गल, अपना अमल दे दियो रब नू। ऐसे कोई अमल बचा लो, शायद परेशानियां इस तरह बड़ियां आ जाए। अल्लाह, बुखारी शरीफ दी हदीस है। आए पखा बंद कर, आए पखे मेरे वास्ते लगे ही नहीं। कई मौलवियों ने स्पेशल पखा अपने उत्ते लाया होया है, पर आए दो पखे मेरे वास्ते नहीं। तुसी मना नहीं करते, पर मेरी खिताबत च मना है। भावें गर्मी है जुमा, भावें सर्दी का जुमा, मैं पखा नहीं चला सकता। बल्कि जरा चल रहा ना, वह भी मैं तकलीफ दे रहा। अगर वह पिछले चला लो तो शायद वह बेहतर है। ये पखा बंद कर दो फिलहाल। सुने जो जरा बात, कमाल तराए बंदे जंदे पयान सफर ते आए। गल बड़ी कमाल आ रही है, बंदे आते बड़े बड़े अमल आन। एक होर अमल भी जेन चाया, पहले वो सुन लो। एक बंदे ने जमीन वेची, दूसरे ने मुल ले ली। कैसे कैसे ईमानदार ते वली अल्लाह ते नेक दुनिया ते आए हैं, भी दो नाम उन्हां दे नाम भी कोई नहीं, नबी भी नहीं आन, सहाबा भी नहीं आन, आम मुसलमान आन, पर उन्हां दे तकवे बहुत ज्यादा आन। जमीन ले ली है, एक ने वे दित्ती है, पैसे लेके घर गया,
दुआ हल चला रहा है कबजा करने वास्ते। जदों ने हल चलाए ओनू अपनी जमीन जड़ी नवी मुल ली है उन्दे जो नू सोने दा भरिया होया मटका मिलिया है। सानू लभ जावे किसा दा डिगया होया तोला लभ जावे। आपा माशाल्लाह पैर रख दिता पैर रखी खड़ा इतने मेरा तोला गिरिया सी ओ पैर दे थले दाड़ी भी ऐडी है मत्थे ते मेहराब है पांच टाइम दा नमाज भी है जुमा जिंदगी च नहीं छड़िया हर साल उमरा भी करना है ते हालत तक्को बंदा भी कोल खड़ा जिंदा सोना गिर गया कूड़ मारी जा रहा है पैर दे थले रख के आ जा ईमान दी हालत इधर की है सोने दा मटका मिले आए उस वेले कोल कोई बंदा भी नहीं सिर्फ रब वेख रहा है हकल्ला बंदा हल चला रहा है। उन्हें आख्या मौत दा पता कोई नहीं मौत ना आ जाए ते कोई मेरा बेटा ना आ जाए कोई भाई ना आ जाए कोई रिश्तेदार ना आ जाए रोड़ा ना पै जाए। हर बंदे दा ईमान अपना अपना है। उन्हें आख्या हुणे हुणे हल रोक दिते कम छोड़ दिता सारा कम रुक गया। वो मटका पकड़िया ओनू जरा कपड़े दे विच छुपा लैंदा सोना हर दौर च कीमती रहा है हर दौर में सोना सब चीजा तू कीमती रहा है। इतना बड़ा सोना मिले मटके दे अंदर कम अज कम 10 किलो सोना सी 10 किलो सोना अरबा खरबा दी रकम मिल गई है। साढ़े वर्ग आंदा जल्दी जल्दी चुग के बैंक दे के पता ही ना लगन दिंदा किसे नू बस जे कोई पूछ लैंदा यार मेरी अमानत आई फुला किले दे अंदर मैं उन्हों बंद करके रख छड़ी आई ओ तैनू मिली है कि नहीं ओ यार इत्थों कदों मिलनी इत्थे है ही नहीं ओनू पता ही नहीं। ओनू आदा यार बैठक तैयार बैठा खोल बैठा के चले गए आदा यार तेरी अमानत लेके आया इनू जल्दी वसूल कर ले मेरा ईमान अपना है हो सकता मेरे बच्चों को पता होंदा और ना ही तेनू देंदे तेरे प्यो की जमीन आई तेरे दादे की जमीन आई अगे बार तेरे को मैं लई है तेरी जमीन है इंदे विचू थोड़ा ही किसे ने रखे थोड़ी अमानत है वह आंदा केड़ी अमानत अखे आए मटका सोने का ले ले ए मेरा नहीं मैं जमीन लई है सोना नहीं लिया ए मेरे ते हलाल नहीं। इंदा ना जे अमल बंदा तहज्जुद भी पढ़े बंदा रोजे भी रखे बंदा अफतारी भी करे अफतारी करवावे भी सही जुमे पढ़ावे भी सही जुमे पढ़े भी सही हाय मेरे प्यारे भाइयो पर ईमान दे पल्ले शय कोई ना होवे क्या मुसलमान आज अमल अहसनु अमाला इनु आदे जे उच्चा मना आपे टुर के गया सोना लेके आदा आ तेरे जमीन चू निकलिया है मैं तो यार जमीन लई है मैं सोना तो नहीं लिया ए दा तेरी चीज है तेरी जमीन चू निकली है ओ आदा मेरी नहीं ए तेरी हो गई तैनू जमीन बेची है दरखत तो नहीं बेचे दरखत तेरे हो के नहीं ये मेरी होंगी तो मैनू मिल जाती ये तेरी है मेरी नहीं ना मेरे दादे ने
सोना रखिया सी ना अबू ने रखिया सी ना मेरे किसी भाई ने रखे तेरी है वादा नहीं नहीं तेरी है उस अगर नहीं नहीं तेरी है उस अगर तेन लेनी पौनी है उस अगर मैं क्यों मेरे तो जुलम करना मैं नहीं लेना इंज भी कभी रोले पैण अज एक एक फुट तू बंदे कतल होता है कल मैनू एक खबर दे रहा सी कालिम आखे किसी इलाके दे अंदर बिरामा दी लड़ाई हुई है आए जमीन मेरी है ते आए तेरी है ओ आंदा आए तेरी दुकान है ते आए मेरी दुकान है दुकान भी कोल कोल ने उत्थे लड़ाई पई दोनों कतल हो गए भाई ओ जिन्ने आखिया सी आए मेरी है बाप ने उत्थों दी कबर बना छड़ी जिन्ने आखिया आए मेरी है उस बेटे दी उत्थे कबर बना छड़ी लोगों नू बाप दस रहा है ये दोनों जमीन दे नहीं ये दोनों जमीन खा गई भाई पे कतल करता भाई दोनों कतल आए ईमान सरदार रखो रोजे अफ्तारियां कराओ लेकिन भाई प्यारे भाइयों माल नहीं अमाल करो माल से जो मुकद्दर में है मिलेगा जरूर मार की फिक्र पै गई मार दी नहीं ताई मुसलमान तबाह आज बरकत ही नहीं नजर आ रही सारा टब्बर कमाई जा रहा है फिर परेशान भी हो जा रहा है कारोबार भी चलते पैण परेशानी भी चलती पई है गल दोनों भाई कतल होए पैण ते जेड़ा कहिंदा सी ना मेरी दुकान है उस दुकान दे कब्रस्तान च कबर नहीं बनाईया उन्हें आखिया इंदी आई इहनू मिल गई इसे दुकान पिछे मर गया इन्ना चिर तेरी जिंदगी आई कित्थू लब्बे हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुबारक रहमतुल्लाह ने यहूदी कोलों मकान मुल ले लिया ते यहूदी दियां बच्चियां रोवन लग गईया आधे मकान दे पैसे जरूरत ला लो ते जमान भी मकान भी ले लो ये थानू मैं गिफ्ट करना पर पड़ोसियों परेशान ना ओ यहूदी मौके ते कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गया इनू आधे जे आसान वामा आए उच्चा दोनों बिरा लड़ते पैण एक कहता सोना नहीं लेना मेरे तो जुलम ना करी मेरा है दूआ दे अज्जती ना कर अपनी अमानत को रख कयामत में फड़िया ना बल्ले बल्ले इतने केस हो जाते मेरी दुकान आई है मेरे मामे की आई मेरे चाचे की आई ए मेरी आई और फिलानी आई और जिन्ना को दुकाना कोई नहीं और रोटी नहीं खा रहा हाय हाय तवज्जो करिया इवें बहस होंदी पई आई कोई सियाणा बंदा भी उन्हां दे कोल आ गया बहस सुनदा सुनदा आंदा यार बहस बड़ी उच्ची है जे 5 मिनट वास्ते मैनू सालस बना लो ते मैं फैसला कर देना उन्हां क्या साले सा तेनू बना लेने आए पर मेरे उस बेला मेरा फैसला सोने का ना करी दुआ दा फसालस बन जा पर मेनू सोना ना देवी कमाल दी होई हाय हाय इनू आ दे दे अमल ओए अमल कोई नहीं रोटियां पिछे दौड़ रहा है अमल छोड़ रहा है ईमान दी फिक्र कर अमल बचा सब कुछ आप ही मिल जाएगा प्यारे हो उन्हें आके साले से बन जा
पर मैनू सोना ना देवी जिन्हें जमीर लई है दुआ दा सारस बन जा पर मैनू मटका सोने दा ना देवी ए बेइंसाफी ना करी क्योंकि इहदी जमीन है इहदी हर शे इहदी हो गई है जे मेरे मुकद्दर च हुंदा तां मैनू सारी उम्र क्यों नहीं मिलिया मैं भी ते हल चलांदा रहा मैनू क्यों नहीं मिलिया इहदे मुकद्दरां दा मैं शरीक नहीं कदी असीं वी जाके लड़ाइयां मुका दो सिला रेमी होएगी अगर ज्यादती भी कोई कर गया कोई गल नहीं प्यारे दोस्तों हुण ओह सालस आंदा ना तैनू देवांगा ना तैनू देवांगा मैनू सालस बड़ा लो कमाल ओह भी कोई बंदा नेक सी हाँ ओह सारे साडे रंगा होंदा ना ओह तुहाडी लड़ाई पै जा सी तुसीं मैनू ही दे दिओ जालसी दी चस ना आ गई इंज दा सालस नहीं ओह आंदा ना तैनू देवांगा ना ओनू देवांगा मैनू सालस मन लो आंदा जी मन लिया यार तेरे कोल की औलाद है ओह एक ने आख्या मेरी बेटी है अखे यार जवान है अखे जवान है दूए आख जी बेटा है अखे जवान है अखे जवान है दोवां दा निकाह कर दिंदे आ ते सोना तुहाडे बच्चियां नूं दे दिंदे आ सोना भी मिल गया रिश्ता भी हो गया ते जन्नत भी मिल गई अल्लज़ी خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا سبحان الله اينو ادر سونے عمل اے ہائے توجہ چاہیے دی ہے تین بندے غار وچ داخل ہو گئے بارش تو ڈر کے وڈا پتھر آیا अगे आके रुक गए हुण हाथ भी नजर नहीं आ रहा खाना भी कोई नहीं पानी भी कोई नहीं किसे नूं दस सकदे भी कोई नहीं किसे नूं खबर भी कोई नहीं बाहरों इंज लगदा जिवें पहाड़ है रात ते मूंह बंद हो गई ते पत्थर एडा भारी सी तिन्ना जोर लाया वो हलिया ही नहीं टेलीफोन भी कोई नहीं मोबाइल का दौर कोई नहीं खत लिफाफे आते हैं साई कोई नहीं कलम वो कलम कोई नहीं जे अगर खत लिख भी दिन दिन से भेजे किमें होता सी डाकिया डाकिया भी कोई नहीं बस तिने जने आदन उन मौत का इंतजार कर लो आदन मौत आएगी बस इसे का इंतजार है रोटी भी खत्म पानी भी खत्म और रबते खत्म किसी नु इलम कोई नहीं बस सारी उम्र इथे ही रह जाओगे यही कमर है खार हुण मौत का इंतजार है तिने बह के आदन यार आपा अपना अपना नेक अमल पेश करिए रब बड़ा गफूर है रब मेहरबान बड़ा है ते रब कादर भी है ते कदीर भी है हर शै ते कादर कदीर है तू जो चाहे सो करके दिखा देना पानी उत्ते जमीन खलियार देना थमा बाजा समान टिका देना कोई आगे दा भोरा लैन तुरदा तू पैगंबरी कर अता देना मैं कुर्बान जा तेरिया कुदरता तू कदी इयो जे चक्कर चला देना हजरत मरियम दी करण सफाई बदले हजरत ईसा नु बोलन सिखा देना बच्चे जमदे कदी नहीं बोल देने पर तू ऐसे भी जो डुका देना हजरा यूसुफ ते जदो बहुतान लगे उन्हें अहले दा बंदा बुला देना माई ऐशा ते जदो बहुतान लग दे वो तो आप शहादत चा देना यूसुफ नबी ते बहुतान लग्या गवाही दित्ती एक सियाने बंदे ने माई मरियम ते बहुतान लगया
गवाही दित्ती ईसा बच्चे ने, पर जदों मई ऐशा दी वारी आई गवाही दित्ती खुद रब रहमान ने। क्या मान आए हाय, अल्लाह अकबर, क्या शान है अम्मी ऐशा। प्यारे बड़ी वड्डी वैसे गल है, अम्मा जाना थी है, मैनू उम्मीद आई कि मैनू कोई ख्वाब आ जाएगा। तू बरी है अम्मा रानिया जी है, ओ मैनू हुण कोई पुछे ना, मुसल्ला डा लेंदी है उस कमरे च जिथे हनेरा ही हनेरा है, ते मां बोल के आंदी है बेटा ओ तेनू हार्ट अटैक ना हो जाए, आंदी है कोई मेरे ना गल ना करे, की करूं मैं। अखे हाई कोर्ट वाले तो रुस गए, हुण केस सुप्रीम कोर्ट च लेके जाऊंगा। हाई कोर्ट नबी पाक नू आंदी है तो रुस गए, ओ तो मेरा ना ही नहीं पलेंदे, जदों मेरा नबी घर हुंदा सी सिद्दीक दे ते आंदा सी असमा बिन ते अबी बकर दी बहन किथे, ओ मेरे नाल ते हाई कोर्ट रुस गया है, मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट च लेके जाऊंगा। दुआ कीती है आए आए, क्या शान। रब बड़ा गफूर। उन्होंने एक बंदा बोलिया बिचे, अल्लाह तेनू सुनी ही रहा है। इतों मालूम होता है कि उन्होंने कीदा तुहीन सी, कि जिथे भी बैठे सुनता टेलीफोन, अल्लाह का टेलीफोन मिला लो जिथे भी बैठो सुन। यूनस नबी मच्छी के पेड़ का नंबर मिलाया तो नंबर मिल गया, उनका टेलीफोन अल्लाह का हमेशा ईजी और बिजी है। वो गूंगा भी करे तो उन्होंने नंबर फिर आवाज वो कार फिर भी चली जाती है गूंगे बंदे की। मत कीड़ी रुनी है रब रहमान अगे, उस अरज नहीं कीती सुलेमान अगे, शक है ते रख कुरान अगे, पढ़ो ला इलाहा। कीड़ी भी रो पई है, अल्लाह ने अगर जा कीड़ी पावे तू कीड़ी है, मखलूक छोटी है पर मंगती तो मेरे को ही पई है। ते अल्लाह ने आख्या कीड़ी उच्ची बोलती नहीं पर एडा प्यारा रब है, अल्लाहुम्मा खल्क मिन खल्क, ओदी कार दसी कीड़ी ने आए गल्ला मार दी। हाय हाय, ओ गार च बैठे आण पर ए पता है कि अल्लाह सुन रहा है टेलीफोन। एक बंदा बोलिया कह लगा अल्लाह जी उच्ची बोलो, कोई समझ भी आ रही है कि नहीं। आदे मैं ताजारा, एक बंदा मेरे को मजदूरी करना आया, मेरी उंदी बहस हो गई, वह आता मेरे दो टोपे बन दन, उन्हें मैनू एक टोपा दिता, आता सारा दिन कुसिया मैं भीख नहीं मंग रहा, मैंने दो टोपे दे दे, उन्हें आख्या एक टोपा देना है दो टोपे तेरे बन दे नहीं, वह आता ठीक है मेरा रब मालिक है, मैं दो दिन तो ठीक है मैं जा रहा। वो चढ़ा चढ़ा पर केडा वड्डा नेक बंदा होएगा ताजर, हर कारोबारी दुनियादार समझ के ये जना समझो कि नेक नहीं, बड़े बड़े नेक है, पैसा भी बड़ा है नेकी भी बड़ी। वो ताजर ने उस दाणिया नू अलग रख लिया, बकरी लई, अल्लाह ने बरकी बकरी दे अंदर बरकत बड़ी रखी है। प्यारे नबी ने फरमाया
अगर कोई बंदा थोड़ी तो चाहता है कि मेरे घर च बरकत नहीं आ रही, बरकत ही बरकत हो जान, फरमाया पर बकरी रख लो, पर बकरी पेशाब करती है, मेंगना करती है, बकरी नु पठिया की लोड़ है, मेरी कोठी खराब होती है, कोठी का बेड़ा खराब होता है, सानू फो आएगी, बकरी का दुध नहीं पीते हो, सब तू ज्यादा शिफा वाला दुध बकरी का है, जिंदे घर बकरी है, सारी उम्र ला कैद सालियां तू बचा लवे। उन्हें बकरी लई, अल्लाह ने अयड़ बना छे, फिर मजदूर रखे, ओ बकरियां चरा रहे, कोई वक्त आया ओ फिर आया, कहिंदा यार आए मेरा नाम है, तेरे कोल मजदूरी कीती आई, तू मैनू दो टोपे ना दिते, हुण मैं भुखा पे मरना, चल एक ही दे दे। ओ आदा प्यारे तेनू दे रहा तेरा माल, कहन लगा इस बई नू उठा लो, आ बड़ा बड़ा रेवाड़ा बकरियां दा, ओ इनू सारियां दे दियो। ते ओ रो के आंदा है, एक मैं मस्कीन बना, एक दुखी बना, एक मैनू मजाक कर रहा है, दुखी आडू ते गरीबा नू मजाक नहीं करी दे, रब पकड़ा दे सकदा है। ओ आखण लगा मैनू कसम रब दी है, ए तेरा ही माल है, मैं जाया नहीं सी तेरी मजदूरी की, मैं अलग करवा शुरू कर दिता, वो बरकत आ गई, आए बंदे भी सारे तेरे ने, ए बकरियां भी सारियां तेरियां ने, अल्लाह जे अगर इस अमल ते राजी है ते पत्थर हटा दे, पत्थर खिसे गया लेकिन अजे निकल नहीं सी सकते। वाह मेरे, इथों मालूम होंदा कि जिहड़ा मजदूर वाला प्यार करे रब नूं बहु प्यार है। रमजान आ रहा है, ताजरों ज्यादा प्यार करे जे मजदूर वाला, डबल वजीफे दिते करो, डबल तनख्वाह, काम थोड़ा लो तो तनख्वाह डबल दो। वैसे मेरी तनख्वाह डबल कोई नहीं होंदी, ना हक मेरा भी है, मेरा हक भी है कि अगर तनख्वाह तुसी दो ना ए रमजान डबल दो, ते जुमा पढ़ाया करो 15 मिनट, क्योंकि मैं थक जाना जुमा दे विच। ओ मैं उन्ना मौलवी चू नहीं कि जेडे दसन रोजे रखो रोजे रखो, आप रखे नहीं, ए यासिन बलोच ने कभी रोजा छड़े, अल्लाह दी तौफीक और मदद। मजदूरियां डबल दो, काम थोड़ा लो। एक इलाके की खबर है, रोजेदार एक मजदूर है, 10 मजदूर में रोज है, उन्होंने छा तो बिठाए रखे जालिम ने, और रोजेदार कभी कोई कम करे कभी कोई कम पा दे, आंदा यार मैं थक गया मैंने रोजा लग गया, उन्हें उसके मुंह दे खड़े होकर पेशाब करके रोजा त्रोड़िया। फिर होया कि फिर उनका हादसा होया, कार दे विच एक्सीडेंट होया, ओ सारा लोहा उनके जिस्म विच फुट गया, जब कबर बनांदे ते कबर नू अग लगी, कई फुट उच्ची अग चली गई। रब नू रोजेदार प्यारा है, इतना ज्यादतियां ना करो, इंसानियत नहीं रहे, मुसलमानी तो बड़ी दूर की गल है, इंसानियत भी नहीं रहे। अल्लाह मेरे को नबी पाक ने क्या सी, मजदूरी डबल कर दे ते काम थोड़ा ले लो, इन्दे ते ए, 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 मतलब प्यार कर, रमजान च रब भी तो तेरे नाल प्यार करता है ना। आया उसने क्या एक होर बोलिया, कह लगा अल्लाह जी मैं दूर चला गया बकरियां चरांदा चरांदा, जब मैं वापस आया तो मेरी आदत आई कि पहले मैं अम्मी नूं दुध देना है, फिर अब्बू नूं पिलाना है, फिर मैं फिर मेरे बच्चियां पीना है, फिर मेरी बीवी पीना है,
फिर मैं पीना है। जदों मैं आया अम्मी भी सौ गई ते अबू जान भी सौ गए ते मेरी हाथ दे अंदर हिम्मत ना रही कि मैं आखा अम्मी उठ जा अबू उठ जा बच्चे भुखे भी मरदा थोड़े पिछे बच्चे रोंदे रह गए और भुखे सौ गए मेरे पैरों के ना मैं पीता ना बच्चा पीता ना मेरी बीवी दुध पीता ते ना मैं किसी ने पिलाया। फिर मैं सारा दिन बकरियां चरांदा चलांदा मैं लेट आया मैनू थकावट भी बड़ी आई सारे दिन दी। फिर मैं चार पाई ते बैठा भी नहीं कि बैठिया बैठिया मैनू नींद आ गई ते मां भुखी ने दुध मंग लिया ते मैं लब्बे एक ना कह सकिया किते ना फरमाना चुना लिखिया जाऊ। ये यूनिवर्सिटिया का पढ़िया होया नहीं ये कॉलेजों का पढ़िया होया नहीं ये दरसा का पढ़िया होया नहीं ये कारी कुरान भी नहीं ये आलमे दीन भी नहीं ये तो बकरियों का चरवाया सी बेचारा लेकिन उनकी आदत कितनी उच्ची है। वह आदा सब तू पहले जो शह मैं दिना पहले अम्मी नू अबू नू फिर मैं बच्चों नू दिना ये मेरी आदत आई मैं आदत के खिलाफ नहीं। आधा सारी रात अम्मी ते अबू सौ गए मैं उठाया नहीं प्याला लेके खड़ाया मेरा जिसम हार्ड हो गया अखा सुरख हो गई भुख नाल जान निकल रही है। तहज्जुद दे टाइम मेरा मां पे उठाया मैं पढ़िया अपनी मां ते अबू नू पिवाया फिर मैं बच्चों उठा उठा के पिलाया फिर मैं अपनी बीवी नू पिलाया मेरा पिता ए अल्लाह जे मेरा ये अमल तेनू बड़ा पसंद है तू अल्लाह मेरे ते राजी है ते फिर इस अमल दे बदले मैनू मुसीबत तू कढ़ ले। पत्थर सारा उड़ के परा चला गया वो तिने बंदे मुसीबत तू बच के घर आ गए। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم احسن عملا لوگو عمل کرو تے سونے کرو ایسے ایسے عمل کر لو اللہ دی رضا کے لیے کل مصیبت بھی ٹالنی پوے عملا نو اگے رکھ لو رب مصیبتاں بھی ختم کرے گا رب جہنم تو بھی بچائے گا और इन अमलों के जरिए रब तेन अपन रामत जनती भी बनाएगा। साजिद इस्लामिक सेंटर इन्हों को तकरीबन हर जुमा मेरा होंगे पत्तो मेरा जुमा होंगे हर जुमा रिकॉर्ड कर दें और कई जुमे मेरे बड़े बड़े करारे भी है तो कई जुमे मिठे बड़े और हर जुमा मिलेगा और आज का बयान भी साजिद जड़ा है इनका साउंड है जन्नत ये आप साजिद है।